स्वागत है दोस्तों आप सबका खाना इंडिया का नए एपिसोड में। तो भाई इतने सारे अंडे तवे पर देखकर आपके मन में ये सवाल तो आया होगा कि ये क्या बन रहा है, एग भुर्जी बन रही है या तो फिर हाफ फ्राई बन रही है या तो फिर एग पुलाव बन रहा है। अगर इसका जवाब आपको जानना है ना तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, आपको मजा आ जाएगा। तो भाई आज हम पहुंच गए हैं वडोदरा में बाऊ आमलेट सेंटर पर, तो चलिए बात करते हैं यहाँ के ओनर से। तो आपका नाम क्या है भैया? चौधरी बीती। और आप अभी क्या बना रहे हो? पुलाव बना रहा हूँ 51 का। ओके, तो ये सबसे पहले भैया ने ले लिया ऑयल, अब उसके बाद जाएगा ढेर सारा प्याज। यहाँ का टाइमिंग क्या है भैया? सुबह 11 से रात को 12 बजे तक। और आपके यहाँ क्या क्या और वैरायटीज मिलती है अंडे में? 200-250 वैरायटी बनाता हूँ। अच्छा, और सबसे ज्यादा कौन सी बिकती है? सबसे ज्यादा अफगानी। ओके, अफगानी। और कितने साल से आपका स्टॉल है? 7 साल से। तो 1 लीटर का क्या प्राइस रहता है? 70 रुपीज़। तब ये फाइनली 51 एग जाने के लिए रेडी है। तो भैया ने ये डाल दिया है पहला, दूसरा, अब ये तीसरा, और धीरे धीरे करके भैया पूरा तवा एग से भर रहे। तो आप भी हमें कमेंट करके बताएगा कि आपने एग की ऐसी बड़ी डिश बनते हुए देखी है कि नहीं देखी है। तो भाई हम तो यही कहेंगे, आप अगर वडोदरा विजिट कर रहे हो या वडोदरा आ रहे हो तो यहाँ पे आके भाऊ का ये अंडा का पुलाव जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे तवा भरने लगा है ये अंडों से। तो जैसे कि भैया ने हमें बताया कि इतनी सारी क्वांटिटी में दिन में 4 से 5 बार यहाँ पे ये पुलाव बन जाता है। 49, 50 और इसके बाद फाइनली 51। देख सकते हो हमारे 51 अंडे तोड़ चुके हैं। आप देखते हैं आगे का प्रोसेस। क्या एग्जैक्ट लोकेशन क्या है भैया? समता पुलिस चौकी के सामने, समता ग्राउंड। और स्विगी और जोमेटो पर अवेलेबल है? हाँ, क्यों यहाँ पे पूछती बताओ मैं कहाँ से दी है। जोमेटो चालू करूँगा। तो भैया ने जो पहले ऑनियन और टमाटर का मसाला रेडी किया था उसे इस अंडों में मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हो धीरे धीरे ये अंडों को पकाया जा रहा है। और भैया अच्छी तरीके से उसे मिक्स करें ताकि ये अंडे तवे पर चिपके ना। तो आप देख सकते हो हल्का हल्का अंडा पकना स्टार्ट हो चुका है, और ये लिक्विड में से जब तक सॉलिड फॉर्म में ना जाए तब तक उसे पकाया जाएगा। तो दूर दूर से खाने आते हैं, दूर से खाने आते हैं, अहमदाबाद से आना, तो दूर दूर से खाने आते हैं। तो आप देख सकते हो अभी अंडा लिक्विड में से सॉलिड फॉर्म में आ गया है। अब इसे वापस से अच्छी तरीके से मिक्स किया जाएगा, और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अंडे में ढेर सारी वैरायटीज मिल जाएगी। तो ये अच्छी तरीके से अब पक चुका है, अब इसके अंदर डाला जाएगा पुलाव यानी के प्लेन वाला राइस। तो आप देख सकते हो राइस की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है, एकदम खिला खिला राइस है। तो अब इसके अंदर पड़ने जा रहे हैं सारे मसाले, गरम मसाले। कितने प्लेट बना दिए आपने? 20 प्लेट। तो आप देख सकते हो इसके अंदर भैया सारे धीरे धीरे करके मसाले कर रहे हैं, और इनका टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। तो अगर आप वडोदरा में रह रहे हो तो यहाँ पे आके इसे विजिट जरूर कीजिएगा। तो अब भैया डाल रहे हैं बीच में ऑयल, इसके अंदर अदरक लहसुन की चटनी, और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भैया मिक्स कर लेंगे। तो अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स किया जाएगा, और ये फाइनली हमारा ये पुलाव बनके रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर डाला जाएगा धनिया, अब भैया इसे निकाल लेंगे। तो ये भाई हमारे लिए प्लेट रेडी हो रही है, और बाकी का पुलाव जाएगा बड़े से पतेरे के अंदर।
तो ये हमारा पुलाव बनके रेडी हो चुका है। और सच में बताओ, ये दिखने में जितना क्लास है ना भाई, उससे भी बढ़िया ये टेस्ट में था। तो भाई हम तो यही कहेंगे, अगर आपने ये नहीं खाया तो क्या खाया। और ऐसे ही खाने के मजेदार वीडियोस को देखने के लिए खाना इंडिया का पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और अभी तक आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।